Hello students, there is drawing lecture today. Take out your creative book. This creative drawing book for standard. आज हम कैलीग्राफी देखेंगे. कैलीग्राफी हर साल होता है. लास्ट ईयर भी था. कैलीग्राफी यानी कि लाइनिंग की जो मोड़ मार होती है, स्ट्रेट लाइन, कुछ कर्व लाइन, क्रॉस लाइन, जिसके जरिए हम अल्फाबेट्स लिखना सीखते हैं, कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करना सीखते हैं. ओपन योर बुक, ओपन योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक. पेज नंबर 6 पर आइए. पेज नंबर 6, कैलीग्राफी लाइन शेप्स. कैलीग्राफी लाइंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चार तरह की कैलीग्राफी लाइंस दिए हैं. 4-4 बॉक्स है आड़े और खड़े में. पहले में देखिए 4 बॉक्स आड़े और खड़े में. पहले बॉक्स में अंदर 3 सही दूरी पर खड़े वर्टिकल लाइन ड्रॉ. फिर दूसरे वाले बॉक्स में आड़े में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 3 लाइंस, फिर खड़ी 3 लाइंस, फिर आड़े में 3 लाइंस. इस तरह से तो कंप्लीट करना है. पर अगर पेंसिल से करेंगे हम, मैंने ये कर लिया है. सेकंड में वेविंग लाइंस, इसे कहते हैं वेविंग लाइंस. ओके, लहरें वाली लाइन. ये हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए दिया है ताकि हमारा हाथ सुधरे. सेकंड में वेविंग लाइन. थर्ड में ही जिगजैग लाइन, जैसे कि वो मशीन में होता है ना, सिर्फ जिगजैग लाइन, जिगजैग सिलाई, जिगजैग मशीन आता है. देखिए इस तरह का, इसे कहते हैं जिगजैग लाइन. फोर्थ में है बारिश के छींटे के से थोड़ा बिल्कुल सीधा नहीं तो थोड़ा त्रासा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में गिरते हैं. बारिश के छींटे बताने के लिए हम अक्सर इस तरह के ब्रोकन लाइंस बनाते हैं. तो ये ब्रोकन लाइंस, तो ये नीचे 4 खाने दिए गए हैं, 4 बॉक्स. उसके अंदर आपको पेंसिल से पहले करना है, बिल्कुल परफेक्ट बन जाए. पहले में ये, सेकंड में ये वाला, थर्ड में ये वाला, फोर्थ में ये वाला. इसी बुक में करना है, पेज नंबर 6 में. मैंने आपको पहले समझा दिया. डिफरेंट स्केचेस ऑफ कैलीग्राफिक लाइंस आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड. अब स्टडी देम, ध्यान से देखिए. कैलीग्राफी वर्क कैन बी डन इन क्रिएटिव पिक्चर्स एंड इन लेटर राइटिंग. नाउ कल्टिवेट द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग द सेम स्केचेस इन द ब्लैंक स्क्वायर्स. यहाँ पे करने को बोल रहे हैं. गिवन बिलो द पिक्चर्स, कैलीग्राफी वर्क इज डन इन द शेप्स ऑफ फिश एंड टेम्पल ऑन द राइट साइड. देखिए राइट साइड पर, फिर उसके बाद फिश और टेम्पल बताया है. इफ कैलीग्राफी शेप्स कुछ है ये दोनों. ड्रॉ एनी वन पिक्चर आउट ऑफ दिस पिक्चर्स इन अ बिग ब्लैंक स्क्वायर. ये बिग ब्लैंक स्क्वायर में इन दोनों में से कोई एक बनाना है. यहाँ पे ब्लैंक ये मैंने बना दिया है. बिग ब्लैंक स्क्वायर गिवन बिलो इट एंड डू कैलीग्राफी वर्क इन इट. जैसा कि बताया है अंदर कैलीग्राफी वर्क किया है. देखिए फिश में कैसे, या यूँ यहाँ पे कैसा. फिर पानी बताने के लिए वाटर, लहरें, पानी की लहरें, वेविंग लाइंस. फिर ये टेम्पल में, ये फ्लैग में कैसे, मतलब वेविंग लाइंस बनाया है. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इसे, आड़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और सीधी यानी कि ऊपर से नीचे सीधी, वो वर्टिकल लाइंस कहते हैं. ये भी वर्टिकल लाइंस. फिर यहाँ पे वीविंग लाइंस बनाया है. तो इस तरह से आपको यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक बनाना है. तो मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, ये
सबसे पहले ये बगैर स्केल के अगर बनाएंगे आप तो उसमें बहादुरी है, आपका हाथ सुधरेगा। फिर बाकी के सब आड़ी लाइन इस तरह से। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना बराबर। अब सेकंड में है वेविंग लाइंस। चलो वेविंग लाइंस यहाँ पे बना, इस तरह से वेविंग लाइन। वेविंग लाइंस सही सही दूरी पे बना के तो कंप्लीट कर लेना है। थर्ड में है जिगजैग लाइन। सही सही दूरी पर इस तरह से आप कंप्लीट कर लें जिगजैग लाइन। आप फोर्थ में है ब्रोकन लाइंस। चाहे इस तरह यूं करें या यूं, मैं ये फिर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रोकन लाइंस कंप्लीट कर लेना है आपको, ओके। तो ये कैलीग्राफी लाइन्स हमने देख लिया चारों बॉक्स में, थोड़ा बता दिया मैंने। अब देखेंगे कैलीग्राफी शेप्स। आप ये यहीं पे इसी में ड्रॉ करेंगे बराबर। मैंने बना लिया है इसलिए मैंने दूसरे पेज पर बताया। आप इसी पेज नंबर 6 में ही बनाएंगे कैलीग्राफी शेप्स में। एक फिश का दिया है, दूसरा टेम्पल, तो मैंने फिश का बनाया। आप चाहे तो टेम्पल भी बना सकते हैं, कोई भी एक फिश या टेम्पल में से कोई भी एक बनाएंगे ये ब्लैंक स्क्वायर स्पेस में, बड़े स्पेस में, तो वो आपको बता दें। बता दो वरना ये वीडियो लेंथी बन जाता है ना।
वो भी ध्यान रखता है, रखना पड़ता है। एक मिनट जरा देखिए कितना होगा, 10 मिनट। लेंदी बन जाने पर आपको भी परेशानी आएगी, वीविंग लाइन्स यानी कि पानी की लहरें पानी के अंदर तैर रही है मछली इस तरह से यहाँ तक वेविंग लाइन बना देना। जैसा भी है देख देख कर, इसकी आँख यूँ है, फिर कुछ यहाँ पे डॉट 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 रख देना है यहाँ पे, मैंने आधे हिस्से में ये नीचे डॉट किया, ऊपर थोड़ी कर्व लाइन इस तरह यहाँ पे पूरा कर देना। फिर यहाँ पे ये ब्रोकन लाइन इस तरह से यहाँ पे दिया है, वैसे ही करना है, ठीक है। फिर इसकी पूंछ में दूसरी भी एक फिश नीचे है, तो इस तरह से जैसा भी है देखकर पेज नंबर 6 में आपको कंप्लीट करना है। वीडियो लेंदी बनते जाना है, परेशानी आ रही है आप, मुझे भी आपको भी आएगी बराबर, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको स्टडी करना पड़ता है ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको अगर पहले पेंसिल से वर्क करेंगे उसके बाद आपको लगे कि नहीं परफेक्ट बना है तो ऊपर कलरिंग बॉल पेन आता है उससे आप घुमा दीजिए, या फिर स्केच पेन से सावधानी से नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए। पेज नंबर 6 कैलीग्राफी लाइन एंड शेप आपको होमवर्क रहा, ओके। दिस पेज क्रिएटिव बुक में ये वाला पेज आपको होमवर्क, ओके। बाय चिल्ड्रन,